بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Inshallah, today we will be start lecture number 8, chapter number 3, multiplication and division. Topic division. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmed Khan. Quran Pak ki ayat hai jiska mafhoom hai aur us shakhs se behtar kiski baat ho sakti hai जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और ये कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। अल्लाह ताला हम सबको खैर वाले नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों को भी अच्छी बातें बतलाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह टुडे we will be able to know the concept of quotient and remainder. Take out the page number 80, book 3. Question number 1 hai, find the quotient and remainder. Is sawal mein keh rahe hain ki quotient aur remainder aap maloom kijiye. अब ए क्वेश्चन क्या है हमारे पास 66 डिवाइडेड बाय 7। अब आप देखिए रफ फर्क में आइए 66 डिवाइडेड बाय 7। अब ये साइन बनाइए डिवाइड की और 7 डिवाइजर नंबर है बाहर लिख दीजिए, 66 डिविडेंड है इसको अंदर लिख दीजिए। अब 7 का टेबल इस तरह पढ़ें कि 66 नहीं तो उसका कोई करीबी नंबर आ जाए, तो 7 9 63। अब 6 में से 3 सेपरेट कीजिए 3, तो ये 9 क्या हो गया क्वोशेंट और 3 क्या हो गया रिमाइंडर। तो अब आप ये ब्लैंक में लिखिए 9 रिमाइंडर 3 और ये इसका आंसर है। अब बी क्वेश्चन देखिए 58 डिवाइडेड बाय 9 और ये ब्लैंक में इसका आंसर है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं 58 डिवाइडेड बाय 9। अब ये देखिए डिवाइड की साइन बनाई, डिवाइजर नंबर लिखा और ये डिविडेंड 58 अंदर लिखा। अब 9 का टेबल जो है यहाँ तक पढ़ें कि 58 आ जाए या उसका करीबी नंबर, तो 9 6 are 54। अब 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 4, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर रिमाइंडर है 4 और क्वोशेंट है 6। तो अब आप ब्रैकेट यहाँ ब्लैंक में क्या लिख दीजिए 6 रिमाइंडर 4 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है नोरा पुट्स 39 एप्पल्स इक्वली इनटू 4 बास्केट्स। अब नोरा जो है उसने 39 एप्पल्स जो थे वो 4 बास्केट में बराबर रखती है। अब आप देखिए बास्केट को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। अब यहाँ ब्लैंक बनी हुई है 2। अब रफ फर्क में आइए आप ये देखें 39 लिखिए, डिविडेंड अंदर लिखिए और डिवाइजर नंबर बाहर लिखिए। अब 4 का टेबल इतनी मरतबा पढ़िए कि 39 का कोई करीबी नंबर आ जाए, किस तरह आएगा 4 9 are 36। अब 9 में से 6 माइनस करें 3, तो क्वेश्चन हो गया 9 और रिमाइंडर हो गया 3। तो अब आप देखिए 39, ये देखें 39 एप्पल थे डिवाइडेड बाय 4 बास्केट थी इज इक्वल टू, अब हमने क्या निकाला ये क्वेश्चन क्या आ गया 9, इस ब्रैकेट में 9 लिख दीजिए और रिमाइंडर क्या आया था 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। देयर आर 9 एप्पल्स इन ईच बास्केट, 3 एप्पल्स आर लेफ्ट और ये हमारा आंसर है। टेक
टेक आउट पेज नंबर 80 बुक 3 क्वेश्चन नंबर 3 है 67 चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर अ स्कूल ट्रिप बाय मिनी वैन ईच मिनी वैन कैन सीट 8 चिल्ड्रन। अब इस सवाल में कह रहे हैं कि मिनी वैन के जरिए 67 बच्चे स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं और हर मिनी वैन 8 बच्चों को बिठा सकती है, अब कितनी मिनी वैन दरकार होंगी। अब देखिए यहाँ पे ये मिनी वैन बनी हुई है, आप देख रहे हैं बच्चे ही बैठे हुए हैं। अब ये इसका सॉल्यूशन में आप देखिए, ये ब्लैंक है, फिर डिवाइड की साइन है, फिर ये फिर ब्लैंक है। तो अब कितने चिल्ड्रन थे, 67, तो आप इस ब्लैंक में लिख दीजिए 67, फिर डिवाइडेड बाय, एक मिनी वैन में कितने 8 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। अब आप रफ कॉलम में आइए, अब देखिए आप ये डिवाइड की साइन है, डिवाइजर नंबर 8 है, ये बाहर लिख दीजिए, डिविडेंड 67 है, ये अंदर लिख दीजिए। अब 8 का टेबल इस तरह पढ़िए कि 67 का कोई करीबी नंबर आ जाए, तो 8 8 64। अब 7 में से 4 माइनस करें 3। अब आप देखिए इसका जो आंसर वाली ब्लैंक्स है, अब ये क्वेश्चंट है और ये रिमाइंडर है, तो क्वेश्चंट आप लिख दीजिए इस ब्लैंक में 8 और फिर रिमाइंडर क्या आया था 3, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द मिनी वैन्स नीडेड टू सीट द 67 चिल्ड्रन इज 3, ये हमारा आंसर है। Hey friends, guess who has come to meet us today? Jojo the clown. Let us revise the concept of division with him. We know that division is actually repeated subtraction. How? Let us revise with Jojo. Look, he has 12 colorful balloons in his hands. He has to divide them into groups of 3. Therefore, he ties 3 balloons from 12. Now, he is left with 9 balloons in his hand. Again, he ties 3 more balloons from 9. So, he is left with 6 balloons in his hand. One more time, he ties 3 more balloons from 6. He is left with 3 balloons in his hand. He ties the remaining 3 balloons. Oops! He is left with 0 balloons in his hand. When Jojo tied 12 balloons into equal groups of 3, he got 4 groups. Here, he tied the same number repeatedly. We showed this with repeated subtraction. This process of repeated subtraction is called division. We write it as 12, then the symbol of division, then 3. Now put the equal to sign and then the number 4. We read it as 12 divided by 3 is 4. This symbol is used to show division. Look at this solved example on division. Let us learn the terms of division. The number to be divided is called the dividend. Here, the number 12 is the dividend. The number that divides the dividend is called the divisor. Here, the number 3 is the divisor. The answer that we get on dividing the numbers is called the quotient. Here, the number 4 is the quotient. The number that remains after dividing is called the remainder. Here, the number 0 is the remainder. The remainder is always smaller than the divisor. Did you notice that the quotient is equal
to the number of times we subtracted? I am sure you remember how to verify whether the answer is correct or not. All we need to do is use the following relation. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So, dividend is equal to 3 into 4 plus 0 is equal to 12 plus 0 is equal to 12. Isn't it interesting? The answer we get is the dividend itself, that is 12. My dear students, do your home assignments with neat and clean handwriting in your book 3. प्यारे बच्चों, अब आप इस आंसर की से अपने आंसर मैच कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अब आप इस आंसर की से अपने आंसर मैच कर लीजिए। जज़ाकअल्लाहु खैर।